राइट, ये है नोट 12 4G, हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। नोट 11 जो था रेडमी का, वो मेरा पर्सनल फेवरेट था एक टाइम के अंदर। अब ये फोन अपने साथ में क्या स्पेक्स लेके आता है और क्या नोट 11 जैसे ये भी मेरा इस साल का फेवरेट फोन हो सकता है इस प्राइस सेगमेंट में, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। सबसे पहली चीज, ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है 6/64 का है और ये बेस वेरिएंट है। इसकी प्राइसिंग लगभग 15,000 के आसपास चालू होती है। अब वो 4/64 कर सकते थे बिकॉज एमआई के सॉफ्टवेयर या तो ऑप्टिमाइजेशन तो होने वाली है नहीं, तो वहां पर थोड़ा पैसा बच सकता था, इसकी प्राइसिंग और ज्यादा कम हो सकती थी। अब आगे बढ़ते हैं इसके डिस्प्ले की। सो जो हमेशा की तरह होती है एमआई के फोन के अंदर एक टास्क डिस्प्ले, और इस प्राइस पॉइंट पे जो डिस्प्ले है काफी सही लगा मुझे पर्सनली, और कंपनी क्लेम करती है 1200 nits। अब एग्जैक्टली 1200 nits वाली प्रॉपर फीलिंग तो नहीं आ रही, लेकिन धूप में जैसे मैं लेके गया आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है इसको करने में। अब 120 हर्ट्ज यहाँ पे भी मिल जाता है और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज काम करता है, लेकिन कहीं कहीं पर इस सॉफ्टवेयर की वजह से आपको फील नहीं होगा। प्लस ये डिस्प्ले जो है वो एमोलेड है, सो यस, व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी सही होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटफ्लिक्स एंड चिल यहाँ पे आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पे जो नीचे की साइड पे बेजल मिलती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, पंचोल मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, और ऊपर की साइड में पूरा का पूरा फोन जो है वो एच टू एच। अब मैं बात करूं इन एंड फील की, सो यस इट इज एक्चुअली गुड। बॉक्स डिजाइन के साथ में फोन है, बट एट द सेम टाइम साइड में थोड़े से कर्वेचर भी दिए हुए, सो फोन हाथ में पकड़ने में सही लगता है। जैसे कि बॉक्स डिजाइन में प्रॉब्लम होती है पकड़ने में बहुत बार, लेकिन यस सिंगल हैंडेडली कंप्लीटली इसको यूज नहीं कर पाओगे, बड़ा फोन है। और लास्ट ईयर वाला जो फोन था नोट 11, उससे मैं कंपेयर करूं एक चीज के अंदर और, जो कि इसका स्पीकर। सो यस, यहां पे अब की बार में मोनो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहां पे जी की साइड पे यहां से फायर कर रहा है, और अगर मैं इसको बंद कर दूं साइलेंट, और लास्ट ईयर वाला जो हमने फोन चेक किया था उसमें ड्यूल स्पीकर मिल रहा था, सो वो एक बेटर पार्ट है और थोड़ा सस्ता भी था फोन कंपैरेटिवली। अब डिजाइन पर्टिकुलरली इस फोन का मुझे खराब नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा कॉपीड जरूर लगा। अब ये पर्टिकुलर डिजाइन आपने रियलमी के 9 सीरीज में देखा होगा, सो यस डिजाइन हल्का सा कॉपीड लगता है वहां से। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो है वो पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन थोड़ा शाइनी सा बैक है यहाँ पे, और ये बंप जो है वो यहाँ पे ग्लास वाला यहाँ पर भी दिया हुआ है। पास में यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और यस इट इज फास्ट। नीचे की साइड पे यहाँ पे टाइप सी एक स्पीकर और एक मिल जाता है माइक। अब यहाँ पे हमारे पास में 3.5 mm जैक भी है और एयर ब्लास्टर। एंड देन बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, जो हम सबको बहुत पसंद है, परफॉर्मेंस के स्कोर सब मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज बेंचमार्क सिक्स हमने निकाला है, तो सिंगल कोर में यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी बूस्ट हुई है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो इसमें देखो स्नैपड्रैगन 685 जो कि एक नया प्रोसेसर है हमारे लिए भी, सो यस परफॉर्मेंस वाइज इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। जीपी स्कोर की बात करूं एवरेज है यहाँ पे, एंड देन थ्रॉटल स्कोर बहुत टाइम बाद में ऐसा हुआ है कि किसी एमआई के फोन के अंदर 91% देखा होता है, और जेपीएस अच्छा निकल गया है 1,70,000। बट एक चीज जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आई हुआ है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 lakh के आसपास में है। बट अभी मैंने फोन चेक किया था Realme C55, अगर उससे कंपेयर करूं तो ये ऑलमोस्ट सेम स्कोर है, पर वो फोन जो सिर्फ 11,000 का है। अब मैं लिंक भी दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो आई बटन से। तो यस, अब रियल लाइफ टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल हम COD खेल के देख रहे हैं और यहाँ पर नो लैग्स एट ऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, जो कि इंपॉर्टेंट चीज होती है कैमरा, जो उसके ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज यहाँ पे दिया हुआ 50 मेन लेंस, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का मैक्रो, नहीं होता तो भी चलता। और आगे की साइड पे 13 MP का सेल्फी कैमरा है हमारे पास पे। सो हमने कुछ फोटोज निकाली 13 MP के सेल्फी कैमरा से, ये पोर्ट्रेट है। एट द सेम टाइम यहाँ पे पीछे की साइड पे लाइट भी रिफ्लेक्ट हो रही है, सो यस बैलेंस कर लिया, फेस काफी सही से दिखाया, थोड़ा पीछे की साइड पे ब्लर ज्यादा हो गया, बट यस। एंड देन बात करूं इंडोर कंडीशन के अंदर HDR फोटोज, सो यस स्टिल गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, काफी सही से बैलेंस भी कर लिया पीछे की साइड पे। एक और फोटो हमने निकाला सेम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सो यस थोड़ा हाथ हिलेगा तो इस तरह से फोटो आ सकती है। और ये है पोर्ट्रेट इंडोर कंडीशन के अंदर, सो यस फोटो फट रही है और नॉट दैट क्लियर। एंड देन मैं बात करूं आउटडोर कंडीशन के अंदर अल्ट्रा वाइड, सो एज यू कैन सी अल्ट्रा वाइड 50,000 के फोन से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सेम रिजल्ट्स निकाल के देता है, पर स्टिल ये फोटो यूजफुल है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और ये है आउटडोर कंडीशन के अंदर 50 MP की एक फोटो, और ये फोटो एक्चुअली में काफी सही है, ब्राइटन अप भी कर दिया थोड़ा फोटो को, लेकिन डिटेल्स आर देयर। सो पीछे की साइड पे एज यू कैन सी बहुत सारी डिटेल्स इसने कैप्चर कर ली है। एंड देन ये है 2 MP जो की क्लैरिटी इज एवरेज। एंड देन यहाँ पे है एक पोर्ट्रेट फोटो आउटडोर कंडीशन के अंदर, काफी सही फोटो निकाल के दे दी, और ओवरऑल जुमलो के आसपास में कैप्चर भी काफी सही से कर लिया है फोटो को। तो यस पोर्ट्रेट्स आर ऑल्सो वेरी गुड, क्लैरिटी भी काफी सही है आउटडोर कंडीशन के अंदर। कैमरा वाइज फोन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सही निकाल के दे देता है। अल्ट्रा वाइड ठीक है, यूजफुल फोटोज निकाल के दे देगा, लेकिन बढ़िया वाली क्वालिटी जो यहाँ से नहीं मिल पाएगी। तो इस गाइस ये फोन लेना है या नहीं है, सो यस इफ यू आर अ कैमरा गाय स्टिल यू कैन गो विद इट, फोटोज सही निकाल के दे देता है आउटडोर कंडीशन के अंदर स्पेशली, लेकिन इंडोर कंडीशन के अंदर नहीं निकालता है फोटो सही, थोड़ा हो जाता है। एंड देन मैं बात करूं यहाँ पे मल्टीमीडिया यूजर की, यस डेफिनेटली आप लोग ये फोन ले सकते हो, बट एक वहां पर भी कोन ये है कि इसमें स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलता है, स्टिल डिस्प्ले काफी सही है और इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पे हमारे पास में गेमर्स है, या फिर मैं कहूँगा पावर हंग्री यूथ हमारा, सो स्नैपड्रैगन 685 नया प्रोसेसर है, हमने भी चेक किया परफॉर्मेंस इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, वेल गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट जो 120 हर्ट्ज वाला जो फीलिंग है ना, वो कहीं कहीं पे आपको नहीं आएगा गेम्स के अंदर। सो इस साल का ये मेरा पर्सनल फेवरेट तो नहीं है स्टिल,
ओवरऑल एक परफेक्ट पैकेज है, बट मार्केट में और भी ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल वीवो T1 भी आया था काफी टाइम पहले, वो भी सही फोन है। सो यस गाइस, जा सकते हो बिल्कुल डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब किंग है MI तो। सो यस गाइस, आई होप ये चीजें आप नजर में रखना जो मैंने बताई है। यस, और आई होप कि इस चीज से आपके बाइक डिसीजन में हेल्प हो पाएगी। अभी के लिए गुड बाय।